Voy a grabar, ¿no? जय हो। सब लोग पहले जुड़ जाइए। सब भाई लोग पहले जुड़ जा और फिर सब बात कर जाए। फिर हमनी के आयुष राज संजय यादव। हेलो भाई सरदार जी। प्रणाम प्रणाम भाई। कुलदीप कुमार बाबा जी प्रणाम। सिंगर राकेश लाल यादव इसी का भी। पीएन प्रदीप तिवारी हर हर महादेव। लव यू भाई। सब लोग जुड़ जाइए और एक गो शेयर मारी तनी सबके हो ताकि सब भाई के पास पहुंच जाए। सब लोग जुड़ जाए और कोई बाकी ना रहे। सोनू झा आई लव यू मेरा भाई। अभिजीत राठौर प्रणाम प्रणाम भैया। मनोज कुमार भूमि राजा राम राम। सब केहू के हम गुंजन सिंह पैर छू के प्रणाम करत नहीं गोड़ लगत नहीं भैया। और आप सब हैं तो हम हैं। आप सबका आशीर्वाद है तो आज गुंजन सिंह है चाहे कोई भी कलाकार है सब है। अभी हम अयोध्या में शूटिंग कर रहे हैं एक पिक्चर का हमार परिवार हमार संसार। बहुत ही साफ सुथरा फिल्म है जो कि पारिवारिक फिल्म है। आप सब घर परिवार सब बैठ के एक साथ देख सकते हैं। एगो बात कहे खातिर हम लाइव आइल वानी कि कुछ लोग का जाने हमरा से का दिक्कत बा टारगेट कर देले बा कि गुंजन सिंह को गाली देना है। गुंजन सिंह के माई बहन सबके गाली देवे के बा। ये बताइए भैया आप ही लोग बताइए। आप लोग ईश्वर समान हैं और मैं खुद अश्लीलता के खिलाफ हूँ। मैं अश्लीलता के साथ नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ आप सबसे कि मैं गाना कुछ गाया हूँ लेकिन बहुत पहले गाया हूँ। अभी के दौर में मेरा कोई भी गाना बताइए जो कि अश्लील हो। कोई भी गाना ऐसा जो हो कि अश्लील। अभी इधर जो भी दौर में कोरोना पे गाना गाया करोनावा लेता जनवा आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। 2 से 2.5 करोड़ लोग उसको देख चुके हैं। बबुआ मरल भूख से पिछले साल मैं गाया था जब कोरोना आया था वो भी आप लोग 110 मिलियन से ज़्यादा मतलब कि देख चुके हैं। आप लोग 115 मिलियन हो गया होगा। उस गाने के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है कि आप वो गाना गाए थे भैया आप कोरोना वाला गाना गाए थे आप मजदूर के गाना गाए थे। मैं मगही में भी गाया हूँ बहुत 100-150 गाना गाया हूँ मगही में सिर्फ। और फिर भोजपुरी में 100-200 गाना फिर सैड सॉन्ग 100-200 गाना। तो आप लोग देखते हैं हमेशा कि मैं जो भी मुद्दा आता है कोई भी बढ़िया जो हम लोगों पे घटता है हम सभी भाइयों पे मैं उसको गाता हूँ। अब बबुआ मरल भूख से 115 मिलियन चल गई इसके बारे में कोई बोला क्या कि गुंजन सिंह ने ये गाया है बहुत अच्छा गाना गाया भैया। मैं मगही में गाया कि कीन दाना 1600 के सड़िया। मैं गाया कि कलकत्तावा से अले मोर सजनवा है तोरा बिना दुनिया बीरान लागे गोरी रे। ऐसे सैकड़ों गाने मैं तो अश्लीलता का खुद खिलाफ हूँ भैया लेकिन अगर कुछ गाने हम गा दिए पहले जो कि शुरुआत में ऐसा कौन नहीं गाया है एक भी नाम जुड़ा दीजिए। वो हम लोग का दोष नहीं है क्योंकि हम लोग सब उस समय नए होते हैं। हर कलाकार नया होता है उसको क्या पता कि कौन सा गाना क्या है क्या गाएंगे तो क्या चलेगा। मैं गाया जरूर गाना 2-4-5 ऐसा नहीं कि गाना नहीं गाया होगा दुअर्थी गाना लेकिन आज के दौर में जो मेरे गाने आ रहे हैं उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। मतलब ये कहना जरूरी है
और कि अब आप समझाएंगे अश्लीलता दूर करना है तो कैसे दूर हो सकता है, हम भी साथ हैं अश्लीलता दूर करने वाले का, हम भी साथ हैं, हम भी अश्लीलता के खिलाफ हैं, तो क्या आप किसी की माँ बहन को गाली देकर अश्लीलता दूर करेंगे? ये आप लोग सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि गुंजन सिंह को गाली देवे चाहे वो किसी भी कलाकार को गाली देवे। अब गुंजन को गुंजनवा कहने वाले मेरे फैंस कह सकते हैं, जो मुझसे प्यार कह सकते हैं, हम लोग कुछ बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ। अब पवन सिंह को पवनवा बोले, खेसारी लाल यादव को खेसरिया बोले, मसूरिया बोले, ये क्या शोभा देता है? ये अश्लीलता हटाने का कौन सा संकल्प है भाई? अगर आपको ठीक ही करना है अश्लीलता, हम खुद अश्लीलता के विरोध हैं, अश्लीलता नहीं रहना चाहिए, कोई गाना नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये क्या है कि कोई गाना बजाना है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी को नहीं कुछ कहने वाला हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी जो ऐसा बना रहे हैं अश्लीलता के खिलाफ काम कर रहे हैं, एक लहजे में आकर काम करें तो अच्छा रहेगा। ये नहीं कि गुंजन सिंह के बहिन के गारीदा, माई के गारीदा, पवन सिंह के गारीदा, खेसारी लाल के गारीदा, अन्य सभी कलाकार को गारी दीजिए, ये कौन बोला है किसी को भी? अरे भैया अश्लीलता हटाना है, हम भी तो करें कि अश्लीलता हटाना है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि आप गाली देंगे उसकी माँ बहन का, इसमें क्या गलती है भाई? किसी के माँ बहन का, उसको गाली देने वाले आप कौन होते हैं? मैं कह तो रहा हूं कि मैं पहले कुछ गाया होगा, हो सकता है दो चार पांच दस गाना निकल जाए शुरुआत में, तो किसका नहीं है ऐसा? सिर्फ गुंजन सिंह को जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है उस पे अभद्र अभद्र गालियां दिया जा रहा है, ये क्या है? गाना बजाना है और गुंजन सिंह को गरियाना है, ये क्या है भैया? अगर गरियाने से ही आप खुश हैं तो आप खुश रहिए, गरियाइए और गाली दीजिए मुझे। गजब हो गए भाई, हम परेशान हो गए, नहीं हम शूटिंग करें कि यह सब पर बात करें? ठीक है कोई भी कलाकार से कुछ गलती अगर हो जाता है तो उसके लिए कलाकार कहता है भैया कि हमसे गलती हो गई है, मैं भी कह रहा हूं कि मैंने कुछ पहले गाया है, उसके मतलब आप ये नए में जो मैं इधर जो गाना गाया हूं लगभग 400-500 गाना, इतने अच्छे अच्छे गाना गाया, उसके बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं करते हैं? ये क्यों नहीं कहते हैं कि गुंजन सिंह ही गाया था तोरा बिना दुनिया बीरान लागे गोरी रे, करोनवा लेता जनवा दुश्मन करोनवा, मैं रात भर जग के शूटिंग करूं, दिन भर शूटिंग करूं, और भाई ऐसा मत कीजिए, किसी को परेशान इतना मत करिए, मेरे भी चाहने वाले बहुत हैं और मुझसे प्यार करने वाले हर जाति के लोग हैं, मुझे सभी प्यार करते हैं और सभी मोहब्बत करते हैं, इसी मोहब्बत से आज गुंजन सिंह है इस जगह पे। अब बतावा भैया कि हम शूटिंग करते नहीं हैं अयोध्या में, 1000 फोन मुझे रोज आ रहा है, 1000 में 800 फोन हमारा आवता, हमारा फैंस के फोन आवता, भैया आप कुछ काहे नहीं बोल रहे हैं, भैया आप इस पे कुछ बोल क्यों नहीं रहे, आपको गाली दे रहा है लोग, आपको कुछ लोग गाली दे रहे हैं फेसबुक पे। हम बोलने भाई हम क्या करें, अपना काम करें कि हम यह सब पर बात करें। आज मैं लाइव आया हूँ बहुत समय निकाल कर अभी कि हम भाई लोग से तनी बात करें, आप सबके बता दी ओकरा में से, अब बताओ तनी 100-200 फोन मुझे धमकी दिलाया जा रहा है कि मगध में प्रोग्राम करके देखा गुंजन सिंह तारा गोली मार दे। बताइए जब अपने घर में ही लोग सुरक्षित नहीं हैं, अरे भैया हम भी मगध से ही हैं, ठीक ना? गुंजन सिंह के घर कहीं बाहर नहीं है, नवादा जिला मेरा घर है, सब जानता है। तो हम भैया हम ये कहते हैं अश्लीलता सुधारिए, लेकिन किसी को गाली देकर, किसी के माई के, किसी के बहन के गाली देकर उस पर गाना गब्बा के क्या मिल रहा है इससे? वो अश्लीलता आप दूर नहीं कर रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं। मैं विनती करता हूं आप सभी से, जो भी फेसबुक चलाते हैं, जो यूट्यूब चलाते हैं,
जो भी ये अश्लीलता के विरुद्ध काम कर रहे हैं, थोड़ा लहजे को बदल कर काम करिए। मैं आपके साथ हूँ जो भी इस मुहिम चला रहे हैं, लेकिन ये माई बहन करिएगा तो कोई साथ नहीं देगा। मुझे इतना कॉल आया है भैया, मैं आप सबको बता देता हूँ, जो गुंजन सिंह अंदर है वो बाहर है, कोई बनावटी बात हम नहीं बोलते हैं। मेरे पास रोज़ 200 फोन, 1000 फोन से ऊपर आ रहा है, उसमें से 100-200 धमकियाँ आ रहा है कि मगर हमें प्रोग्राम करके देखा तारा गोली मार दे, गोली मार देंगे। मगर मेरा भी घर है और मुझसे इतने लोग प्यार करते हैं कि इसका अंदाज़ा नहीं होगा, इसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं है। जैसे सर का बाल हम नहीं गिन सकते हैं ना, वैसे लोग मुझे प्यार करते हैं। तब मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सब जो मुझसे मोहब्बत करते हैं सबको दिल से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कि वो धमकी रोज मुझे आ रहा है, तो मैं कल एक ऑडियो वायरल हुआ था, आज हुआ या कल हुआ पता नहीं, मुझे कोई लोग बताए, मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं, मेरे फैंस भी फ़ोन करें, पता नहीं चल रहा है कौन आदमी क्या है, भैया कौन जान रहा है, फ़ोन कर दिया, अगर मैं उठा लिया, मैं बात कर लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया, मैं क्या उसमें गाली दिया हूँ? आज तक मैंने एक गाली का प्रयोग नहीं किया और ना करूँगा आजीवन, क्योंकि मेरा वो संस्कार नहीं है कि मैं किसी को गाली दूँ, माई बहन करूँ, नहीं। मुझे, मैं कलाकार हूँ, मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं रंगदार नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ। वो कल मुझे एक कॉल आया रात में, मुझे बहुत सारे कॉल आए कल, उसमें से एक कॉल, मैं जब रात में थोड़ा फ्री था तो मैं उठाया तो उसमें बोले भैया आपको बहुत गाली दे रहा है भैया कुछ लोग, आप कुछ बोलते काहे नहीं भैया। मैंने कहा उसको संतावना ही दिया है, मैं ऐसा नहीं कि उसको कह दिया कि नहीं तू जाके वगैरह कुछ कर दा, ऐसा मैंने नहीं बोला है, ऑडियो आप सुन सकते हैं। मैं हाँ मंत्री विधायक से मैंने बात किया, मैं बात इसलिए किया कि भैया मैं उस क्षेत्र में प्रोग्राम करने आऊँगा, कोई कह रहा है कि गुंजन सिंह का सीना फाड़ देंगे, चीर देंगे, मैं अपनी सुरक्षा के लिए फ़ोन किया उनको कि मुझे आप सुरक्षा मुहैया करवाइए तभी हम उस क्षेत्र में आ पाएंगे, मैं शूटिंग भी करने आता हूँ, मेरे ऊपर कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है कभी भी, इसके लिए मैं विधायक जी और मंत्री जी को मैंने फ़ोन किया कि भैया मैं उस क्षेत्र में आऊँगा, मेरा बहुत शेड्यूल है उधर का, इधर से जाने के बाद, और लोग कह रहे हैं कि आप आइएगा तो मैं आपका सीना फाड़ देंगे, गुंजन सिंह का सीना, आइएगा मगध में आकर दिखाइए, सीना फाड़ देंगे, चीर देंगे, गोली मार देंगे, रोज धमकी आ रहा है। तो ये मैं क्या करूँ इसमें, बताइए मैं क्या फोन ना करूँ, मैं तो मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। मैं चाहता हूं कि सेंसर बोर्ड बन जाए, मैं मुख्यमंत्री जी से इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं यह विनती करता हूं, अपील करता हूं कि भोजपुरी मगही कोई भी गाना रिलीज हो तो सेंसर बोर्ड से पास होकर रिलीज हो, ताकि एक भी शब्द वैसा हो उसे पहले ही कट कर दिया जाए, उस गाने को यूट्यूब पर चढ़ने ही ना दिया जाए। मैं तो बहुत खुश हूँ भैया कि अश्लीलता हट जाए, मैं कौन अश्लील गाना गाता हूँ जी, मैं तो हमेशा अच्छा गाना गाता हूँ, आप लोग खुद देखते हैं हर मुद्दे पे। अभी मैं एक गाना गाया, काटोगे जब हरे वृक्ष तो हवा कहाँ से पाओगे, क्या भैया इसके बारे में बोल नहीं सकते हैं, ये क्या गंदा गाना है, इसके बारे में क्यों बोलिएगा, यहाँ से कोई पब्लिसिटी नहीं होगा ना, इसके बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि अच्छा गाना है ना। आप सभी भाई बंधु से मेरा आग्रह है कि अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठाइए, लेकिन कुछ लोग जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं, किसी के बहन के, किसी के माई पे, किसी बेटी पे गाना, कुछ ये क्या है, ये सही नहीं लगता है, चाहे वो किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो। अब गुंजन सिंह केहू गारी दे रहा है भैया, कोई गारी दे रहा है, अब गुंजन सिंह को कितने चाहने वाले हैं, जो मुझे भैया बोलते हैं उस सारे फैन को गाली दे रहे हैं, वो सिर्फ मुझे गाली नहीं दे रहे हैं, वो सारे फैन को, मेरे चाहने वाले हर फैन को वो गाली दे रहे हैं, बताइए क्या अच्छा बात है। भैया काम करने का तरीका बदलिए, अश्लीलता हटाना ठीक है, हम भी इसके साथ हैं। मैं तो बहुत
परेशान हो गया हूँ भाई, इधर से क्या कहूँ मैं। कॉल से कॉल, ऑडियो कॉल, व्हाट्सएप ऑडियो कॉल, मगध परिवार मेरा भी है, मैं भी मगध से हूँ, भोजपुरी और मगही दोनों बहन हैं। पंजाब के गाना हम लोग नहीं सुनते हैं, पंजाबी गाना, हरियाणवी गाना सुनते हैं ना? क्या हम लोग उस भाषा को रोज बोलते हैं? नहीं बोलते हैं ना, अच्छा लगता है तो सुनते हैं। इसी प्रकार से आज मगही को भी लोग हर जगह सुन रहे हैं, आरा में सुन रहे हैं, बक्सर में सुन रहे हैं, छपरा में सुन रहे हैं, पूरे मगध क्षेत्र में सुन रहे हैं। मगध क्षेत्र का तो खैर वो भाषा ही है, पूरे भोजपुर क्षेत्र में, यूपी में सुन रहे हैं, झारखंड में सुन रहे हैं, बिहार में पूरे सुन रहे हैं। तो अच्छा लगना चाहिए, कान को अच्छा लगेगा ना, चाहे कोई भी भाषा हो, लोग जरूर सुनेंगे उसको। मुझे परेशान मत करिए, मैं काम करता हूँ भैया, मुझे एक से एक गाना मैं बना रहा हूँ जो कि दर्शकों के बीच में आए, फिल्म भी वैसा कर रहा हूँ जो सबको पसंद आए। किसी को गाली देकर बड़ा नहीं कोई बन सकता है भैया, अगर आना है तो प्रेम से उसके जो गंदा गाना है उसको सुनिए ही मत, मैं तो यही कहता हूँ। चाहे किसी भी कलाकार का गाना हो, सुनना ही नहीं है। और मैं तो गंदा गाना ना गाता हूँ अब ना गाऊँगा। कुछ जो पहले के समय में कुछ गाना आया है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ सभी दर्शकों से, मेरे फैंस जो हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, और देश के हर एक जनता, हर एक नागरिक से। ये मत कर दीजिए, ना जातिवाद करिए कोई, और ना ही किसी को टारगेट करिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। चाहे कोई भी हो, कोई भी फेसबुक पे कोई मुहिम चला रहे हो या फिर उनके साथ हों, अरे भैया मैं क्या कहूँ, मैं तो बहुत टेंशन में आ गया हूँ कि मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, कि लोग मुझे कह रहे हैं कि मगध में आइए, कहीं प्रोग्राम करिए तो आप पे गोली चला देंगे। भैया मेरे चाहने वाले भी बहुत हैं और मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, रोज़ मुझे भी ऐसे फ़ोन करते हैं ना कि भैया आपके लिए हम जान दे देंगे, और मुझे दिखता है कि वो जान दे देंगे, ऐसे ऐसे फैन हैं हमारे। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं किसी को ये नहीं कहा आज तक कि आप गरियाओ किसी को, ये मेरा संस्कार नहीं है। जितने लोग जुड़े हुए हैं सब सबके प्रणाम, और मैं इसीलिए लाइव आया हूँ, और मगधवासियों के लिए भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सबके प्रणाम करता हूँ भैया। तो कहो तो मगही में सबके प्रणाम करो, यो ये हमर है। और जो भी जनता जनार्दन मगही के जितने श्रोता हैं सबको मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ। आप लोग तो देखे हैं ना उस समय को, मैं भोजपुरी मगही दोनों गाता हूँ और सैड सॉन्ग भी गाता हूँ। मैं मगही भाषी, मतलब कि हम आप सबके, तोहरा सबके कह रहा लिए है, जरी कितना गाना गेलिए मगही में कि किन दन 1600 के सरिया अहो पिया, कलकत्तावा से एले मोर सजनवा, ककोलत के झरना गे, और मुझे कितने गाने तो याद नहीं, मैं इतना गाना गाया हूँ लगभग 100-200 गाना। एक भी लाइन आया है क्या? ढोड़ी टंगरी ये सब मगही भाषा में जो भी मैं गाना गाया हूँ एक लाइन नहीं आया है आज तक। जितने गाने लिखे हैं राइटर हमारे मगही के, अमन अलवेला यादव, जो लिखा है सब साफ सुथरा लिखता ही है वो। अब बताइए भैया कि मैं क्या करूं, मैं अच्छा गाना इतना गाया हूं उसका कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। तो आप सब मगही वाला जवान, मगही के मेरे भैया,
मघी के जितने फैन हैं सबको मैं कहता हूँ भैया कि जो मैं अच्छा गाना गाया हूँ, जो मैं गा रहा हूँ, अगर खराब गाऊँ तो मेरा कोई गाना ना सुने, बस मैं ये कहता हूँ। और जो गंदा गाना मैं पहले, ऐसे तो मैं गाया ही नहीं, दो चार पांच अगर गाया होगा भैया तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ सभी दर्शकों से कि आप लोग गंदा गाना सुनिए ही नहीं, गंदा गाना का बहिष्कार करिए। और सरकार से हर व्यक्ति मांग करे कि सेंसर बोर्ड लगे गाने में, सेंसर बोर्ड से पास होके ही कोई गाना रिलीज होवे। और मुझे गाली देने से अगर किसी आदमी को खुशी है तो गाली दे दे भाई, हम तो कलाकार हैं, हम गुंडा नहीं। जितना बात करूंगा उतना देर में मैं कुछ काम कर लूंगा अपना, मैं कुछ गाना बना लूंगा जो मेरे भाई लोग सब सुने। फोन करके क्या कहें, चला हटाओ अब अमन आपके जुड़ा नहीं भैया। अरे भैया आप स्टार हैं, अरे मेरा भाई सिंगर राजा सिंह, सब आप सब हैं मेरे भैया, आप सब मेरे भाई हैं, तो गुंजन सिंह है। मैं आपको ऑर्डर नहीं दे सकता, ऑर्डर आप देंगे और मैं काम करूंगा। फोन आके डिस्टरबेंस कर रहा है। और मुझे टारगेट मत करिए, मुझे काम करने दीजिए भैया, मुझे मघी को और ऊपर लेके जाना है। अभी मघी में हम पिक्चर बना रहे हैं, तीन चार पिक्चर रेडी हो चुका है, अब शूटिंग होने वाला है बहुत जल्द। मघैया फिल्म जैसे मघैया गाना देख लो, इतना दिन से कोई गाना आबो ले की मघी में, हम बोले नहीं चाहिए अपने से, लेकिन आज हमारा बोले पर एको गाना अले हल पूछू हले चर्चा। मघी भाषा है, मघी भाषा बहुत मीठा भाषा, हमार अपन भाषा है। उस गाने में हमने जो शुरू किया ककोलत के झरना से, आज 150 से ऊपर गाना मैं गा चुका हूँ इस भाषा में, अपनी भाषा में, जो मेरा अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज है। मैं तो गाता हूँ भोजपुरी में भी, मघी में भी, हिंदी में भी, सब मेरे लिए एक समान है। आज 150-200 गाना है कि हर जगह जाने पे मघई सुनाई पड़ता है। ये सब मेरे से सिर्फ नहीं हुआ, जब तक आप लोग नहीं चाहते तो ये नहीं हो सकता था कुछ। ये करने वाले आप लोग हैं, हम भगवान स्वरूप दर्शक गण हैं, आप लोग हैं जो कि आज गुंजन सिंह को गुंजन सिंह बना दिए, कलाकार को स्टार बना दिए। आज मगही भाषा पर हिट आ रहा है। सावन देखिए एक रिलीज हुआ है मेरा, बंद है मंदिरिया मगही में। अब फिल्म हम लेकर आ रहे हैं और हम चाहेंगे कि बहुत साफ सुथरी फिल्म बने जो कि गांव में सभी लोग घर परिवार बैठकर देखे। हम चाह रहे हैं हम कि उसको कहाँ लेकर जाएं, इसमें आप लोग का पूरा सहयोग चाहिए, मुझे एक एक आदमी का सहयोग चाहिए, मुझे किसी से लड़ना नहीं है भैया। अमन अलवेला यादव देखा मैसेज आ गई बा, 200 सॉन्ग पूरा हो गया है भैया। अरे मेरा भाई जियो, जीते रहो और ऐसे ही गाना लिखते रहो। जमुई का है अमन अलवेला यादव जो राइटर है हमारा मगही का, 200 गाना लिख दिया है। मैं तो कुछ कम ही मुझे याद था लेकिन उसे पूरा याद है। तो अभी मैं फिल्म भी लेकर आ रहा हूँ, मैं भोजपुरी में भी अभी जो फिल्म कर रहा हूँ, ये हमार परिवार हमार संसार एक पारिवारिक फिल्म है जो कि अयोध्या में शूटिंग चल रही है। हाँ देखिए बोल रहे हैं मैथिली भाषा, मैथिली भाषा, मगही भाषा और ये झारखंडी भाषा जो है, और झारखंडी भाषा, ये तीनों भाषा जो है एक है। कहीं भी चले जाइए मैथिली से भी मिल रहा है मगही, और ये झारखंड में जो भाषा यूज होता है वो भाषा सब एक है। तब तो पूरा झारखंड सुन रहा है मगही को, क्योंकि उनको अपना भाषा मिला है। तो हम लोग काम कर रहे हैं भैया, एकदम मगही पे, भोजपुरी पे, हिंदी पे, सब पे काम कर रहे हैं। बस आप सबका आशीर्वाद बना रहे, और मैं क्या बोलूं इस पे अब ज़्यादा। सब लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। हरिकांत, गुंजन भैया सुपर सिंगिंग, अमन और गुंजन
काम करे आप आगे लेके। अरे मेरा भैया, मगही भाषा को, मगही मुझे जन्म दिया है, मैं मगही से, मेरा मातृभाषा है। तो भोजपुरी में तो मैं पिक्चर कर ही रहा हूँ, भोजपुरी के जितने सुनने वाले श्रोता हैं उनको भी प्रणाम, क्योंकि मेरे लिए सब समान है। हिंदी, भोजपुरी, मगही सब समान है, सबके लिए मैं काम करता हूँ, क्योंकि जो लोग पूरे देश में जो भाषा सुनी जाती है मैं उस पर काम करता हूँ, और आप सबका इतना आशीर्वाद मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग हमेशा खुश रहिए और मस्त रहिए। मेरे से कोई शिकायत हो आप गुंजन सिंह को बोलिए, लेकिन गुंजन सिंह के परिवार को बोलने का हक नहीं है। जो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं मत करिए ऐसा काम। अब हमारा से लड़ाई होवे केहू के, तो हमारा परिवार के बोले के हक, ये ठीक नहीं है ना। अब कोई आदमी, अब गुंजन सिंह नाम बनाने में कितना टाइम लगा है भैया बताइए, कितना मेहनत किया हूँ, उस दिन को सब वो भूल गए लोग जब मैं मोटरसाइकिल से पूरे बिहार झारखंड यूपी एक कर दिया, तीन तीन आदमी, स्प्लेंडर प्लस से मैं पूरे बिहार, पूरे यूपी और पूरे झारखंड को घूमा हूँ कई साल। आज मैं कुछ पे भी चढ़ जाऊँ लेकिन वो गाड़ी आज भी मेरे घर में लगा हुआ है, और हर विश्वकर्मा पूजा पे मैं पूजा करता हूँ, और जब जाता हूँ ना घर तो एक बार जरूर उसको देखता हूँ कि आज उसी गाड़ी से आज मैं फॉर्चूनर पे चढ़ जाऊँ या फिर कोनो गाड़ी पे चढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब आप लोग का आशीर्वाद से हुआ ये सब। मैं कुछ भी हूँ भैया, ये गुंजन सिंह कुछ नहीं है, आप सब लोग, आप सब हैं तो हम हैं। और मैं सभी राइटरों से भी कहना, निवेदन करता हूँ उस फेसबुक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, कि अश्लील गाना मत लिखिए मेरे पास, क्या किसी भी गायक को अश्लील गाना मत दीजिए, क्योंकि सृजन आपके पास से ही होता है भैया। आप अच्छा देंगे हम अच्छा गाएंगे, सभी गायक अच्छा गाएंगे, और अच्छा दिए तो तब तो हम अच्छा अच्छा गाना गाए। अब करोनावा लेता जनवा, 1600 के सड़िया, सूट सलवार, कौन कौन गाना, ये कलकत्तावा से लेमुर सा जनमा, बबुआ मरल भूख से, तुरा बिना दुनिया बिरान लगे गोरी रे, हुनरी बता जाए तू, एक से एक गाना है। तो आप लोग बहुत अच्छा गाना लिखते हैं, आप लोग का जोड़ा नहीं है, लेकिन जो कुछ लोग राइटर, जो कुछ राइटर हैं उन भैया से भी हम निवेदन करते हैं, भैया गंदा गाना ना मेरे पास भेजिए ना किसी गायक के पास भेजिए। मैं विनती करता हूँ आप सबसे, अच्छे गाना गाया जाए, कोई दिक्कत नहीं हमको, हम तो ऐसे भी जो भी गाते हैं वो सब बैठ के सुन सकता है। अगर कुछ पहले गाए होंगे तो उसके लिए तो मैं बोल ही रहा हूँ, अश्लीलता हटाना है, अश्लीलता के साथ हैं हम कि अश्लीलता को हटाना है, जो भी अश्लील हटाने वाले हैं उनके साथ हैं हम। मैं खुद अश्लीलता का विरोधी हूँ, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि किसी को गाली देकर अश्लीलता मत हटाइए, कि गुंजनमा कहिए और किसी को भी कुछ भी कहिए, ये अच्छा नहीं लगता है। मेरे फैन सारे बहुत नाराज होते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, भैया ये क्या बोल रहा है, भैया वो क्या बोल रहा है, मैं क्या करूं बताइए, मैं कब तक ये सुनता रहूं भैया। नाम बनाने में बहुत टाइम लगता है भाई, इस प्रकार से मत बोलिए, चाहे कोई भी हो सम्मान करिए, सभी का सम्मान करिए, एक तो छोटा सा जिंदगी है, कितना ही जिंदगी बचा हुआ किसका है, आप सब समझ ही रहे हैं। आज तो ऐसे वो कोरोना चला था, कितना लोग मर गए कोरोना में, ये महामारी से हम लोग अभी जूझ रहे हैं, आयु कितना कम है किसी भी मानव का, किसी भी मनुष्य का, इसमें लड़ाई झगड़ा करके क्या फायदा है किसी को। राज यादव भैया फिल्म कब आएगी आपकी, भाई बहुत जल्द, अब तो शूटिंग वूटिंग स्टार्ट भइल बा। शुभम कुमार गुड,
नितेश राजपूत रिप्लाई दो भाई भाई भाई। हरे जय बहिन हरवा असो आई लई खबरिया अहो पिया अकिन दाना सोलह सो के सड़िया अहो पिया। एगो भाई के बहुत फरमाइश रहे कि किन दाना सोलह सो के सड़िया मघी में गाना गा दी भैया मघी। मैं तो ये गाना भी गाया कि गमछिए से रंगदार लगते हैं, ये गाना किसी को दिखाई नहीं पड़ा ना। वाह कि तोरा का पता है ये गमछिए लगते हैं, गमछिए से रंगदार लगते हैं, आन बान शान पहचान है गमछिए, यूपी बिहार के गुमान है गमछिया। यह गाने के बारे में कोई कुछ नहीं बोला कि भैया इतना अच्छा गाना गाए इसके लिए मैं आपको पुरस्कृत करूंगा या फिर मैं इससे इस पे बात करूंगा। कोरोना पे इतना मैं वो शमशान घाट वाला गाना गाया कोरोना लेता जनवा, एक गाना गाया गरीबों पे कि आजकल जो गरीब ये काम नहीं चल रहा है इसके कारण लोग भूखे मर रहे हैं भूखे रह जा रहे हैं, इस पे भी मैं एक गाना बनाया। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि हाँ ऐसे होना चाहिए, गाना अच्छा गाए हैं आप। जितने भी हमारे श्रोता हैं मुझे पसंद करते हैं, मगही भोजपुरी मैथिली चाहे झारखंडी भाषा कोई भी भाषा के लोग हैं सब मुझे प्यार करिए, सब लोग आशीर्वाद देते रहिए, आप सब हैं तो हम हैं। और मैं हमेशा अभी एक से एक सैड सॉन्ग लेकर मैं आ रहा हूँ भैया, जो आप सबको सुन के आप लोग मेरे से उम्मीद भी करते हैं। मैं यूपी जब आया अभी शूटिंग में इतने फैंस आए मिलने के लिए और सभी लोग सैड सॉन्ग का जो तारीफें कर रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं जो गा रहा हूँ बहुत अच्छा है। मगही गाना सुन रहे हैं यूपी में लोग, सोलह सौ के सड़िया तो ये गाना वो गाना सब गाना इधर सुनते हैं लोग, तो हर जगह लोग सुनने वाले हैं और सब पसंद करते हैं। और अभी शादी का एक से एक गाना मैं बनाया हूँ और उसमें कोई क्लिप काटे लोग कि ये अश्लीलता है, अरे शादी ब्याह में तो जानते ही हैं कि शादी ब्याह में कुछ हंसी मजाक होते रहता है, वो सब लोग को पता है। अब साली से मजाक ना करी लोग, भौजाई से तो केकरा से मजाक करी भाई बतावा। हम आपके साथ हैं। अरे भैया एकदम आप सब आशीर्वाद बनाए रखिए, गमछिया तो 100 बार सुने हम भाई। अरे भैया अंकित तिवारी जी कैसे हैं, नितेश राजपूत सुपर हिट गाना गमछी से रंगदार। अश्लीलता का मैं विरोधी हूँ और मैं सभी लोगों से ये कहता हूँ कि अश्लील गाना ना गाएं, मैं भी नहीं गाऊंगा और नहीं गाता था, कुछ दो चार पहले का होगा तो होगा जो होगा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबों से, आप लोग मेरे भगवान हैं मुझे ज़रूर क्षमा करेंगे। और अभी एक से एक गाना आ रहा है बोलबम का, फिर भोजपुरी मगही सैड सॉन्ग, तो आप सब ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए और आप सब खुश रहिए मस्त रहिए इसी। बहुत बड़ा फैन हूँ, आप पहले भी को मना करते थे अश्लील गाने के लिए, अरे मेरा भाई एकदम मेरा प्रयास है भैया मैं आपके साथ हूँ, हम आपके साथ, चिंता ना करें गुंजन भाई सब लोग आपके साथ हैं, अरे मेरा भाई। अब
आपका सॉन्ग सबसे सुपर होता है। अरे भाई आप लोग हैं तो सब अच्छा लगता है। अभी आप प्रोग्राम करते हैं कि नहीं? अभी परमिशन जब सरकार से मिल जाएगा तब हम प्रोग्राम करेंगे। भैया तनी भाई पर भी ध्यान दी, सिंगर अंकित सिंह। अरे भाई जरूर जरूर, कपिल यादव आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे मेरा भैया आप लोग हैं तब तो, अगर आप लोग नहीं होते तो इतना व्यूअर कैसे जाता गाना का मेरा। आप लोग हैं तब तो एक एक दिन में इतना इतना लाख पहुंचाते हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि मेरा भाई सब है। बस बस इसी सब बात करने के लिए मैं आया लाइव, कि मैं आप सबसे बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद अश्लीलता के खिलाफ हूँ। किकर नाम इतना गुड्डू कुमार, भैया नाम नहीं लिया। अरे मेरा भाई इतना मैसेज है, इतना कमेंट्स है आप सबका, मैं बाद में पढ़ूंगा जरूर। और एकदम आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रणाम करते हैं, अपना ख्याल रखिए जरूर।